पापा मुझे दूध पीना है। अरे ये क्या, घर में दूध नहीं है? पापा दूध हम घर पर भी तो बना सकते हैं। नहीं चुटकी, दूध तो गाय भैंस जैसे जानवर ही देते हैं। पालतू जानवर? ये जानवर दूध कैसे देते हैं? चलो तुम्हें सुषमा काकी के खलियान पर ले चलता हूँ, वहाँ तुम्हें सब पता चल जाएगा। कैसे हो हैप्पी और चुटकी? सुषमा काकी हम अच्छे हैं। आज चुटकी को जानना है कि हमें दूध कैसे मिलता है। हाँ काकी, ये सब जानवर कौन से हैं? ये भैंस गाय बकरी हैं। ये सब पालतू जानवर हैं जो हमें दूध देती हैं। यम्मी, बस इनसे हमें दूध कैसे मिलता है? और ये जानवर दूध देने के लिए क्या खाते हैं? ये ताजी घास और सूखा घास खाती हैं, जिससे उनका शरीर दूध बनाता है। अब समझी, जो हम पनीर और दही खाते हैं वो भी इन्हीं के दूध से बनता है ना काकी? बिल्कुल सही। इतना ही नहीं, जो तुम आइसक्रीम खाती हो वो भी इन्हीं के दूध से बनती है। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। इतना ही नहीं चुटकी, इसके अलावा भेड़ और ऊँट भी दूध देते हैं, और उनका दूध उतना ही स्वादिष्ट होता है जितना गाय भैंस या बकरी का। पर काकी, भेड़ और ऊँट आपके खलियान में क्यों नहीं है फिर? मेरी प्यारी बिटिया, वो ऐसा इसलिए क्योंकि उनको अलग माहौल और वातावरण की जरूरत होती है। अब मैं समझ गई पापा। और तुम्हारा ताज़ा ताज़ा दूध भी तैयार है। ये अब मैं अपना पसंदीदा शेक पी सकती हूँ। धन्यवाद काकी। दोस्तों, मैंने तो दूध देने वाले जानवरों के बारे में जान लिया है। आप भी अपने परिवार से पूछें आपके घर में किसका दूध आता है और उस दूध से अलग अलग कौन सी चीजें बन सकती हैं। इस बारे में पूछकर अपने दोस्तों को बताएं। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।